आज मंजू श्रीवास्तव के चैनल पे पोहे की बहुत ही अच्छी रेसिपी आपको मिलने वाली है, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल से। तो चलते हैं, आज पहले प्रोसेस देख लेते हैं। तो इस पोहे के प्रोसेस के लिए हमें एक शिमला मिर्च काट लिया है, एक गाजर काटी है, एक आलू है और एक टमाटर, एक प्याज का मैंने सारी चीज़ों को काट के रख लिया है। और 50 ग्राम यहाँ पे मूंगफली लिया है मैंने और एक बड़ी कटोरी यहाँ पे मैंने पोहा ले लिया है। अच्छा, इसे कोई कोई चूड़ा भी कहते हैं, तो कहीं कहीं पे ये पोहा कहा जाता है, कहीं कहीं पे ये चूड़ा कहा जाता है। तो आज बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल से मैं आपको पोहा बनाने के बारे में बताने जा रही हूँ, क्योंकि आजकल बच्चे होते हैं ना, वो कहते हैं कि मतलब घर में चाहे जैसे भी बना लो, वो बाहर वाला जो टेस्ट आता है ना, वो घर में नहीं आता। तो आज वो मैं बताने जा रही हूँ सारे सीक्रेट कि बाहर कैसे बनाया जाता है और आप कैसे बनाएंगे तो आपके भी पोहे में बाहर का स्वाद आएगा। जिसके लिए मैंने कढ़ाई में तेल डाल लिया है और अब कढ़ाई गर्म हो गई है। तो यहाँ मैंने डाला है एक छोटी चम्मच सरसों के दाने, और जब सरसों आपका तड़कने लगे तो उसके बाद आपको इसमें डाल देना है जो प्याज काट के रखे हैं ना, आप उसको डाल लीजिएगा। लेकिन ये अच्छे से हो जाए इस बात का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें कच्चापन बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। अगर कच्चापन रहा तो ये फिर अच्छा नहीं बनेगा। तो हमने इसमें प्याज डाल लिया है अपना, और इसे थोड़ा सा हम ट्रांसपेरेंट होने तक पकाएंगे, थोड़ा सा इसका रंग चेंज हो जाए। तो बहुत ही बढ़िया बनके तैयार होगा ये फटाफट से हमारे पोहे की रेसिपी। और अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो यकीन मानिए बच्चे आपके कहेंगे कि सच में ये घर वाले पोहे भी स्ट्रीट स्टाइल आपने बनाए हैं। तो बहुत ही जल्दी बनने वाला है ये पोहा की रेसिपी, और मिक्स वेजिटेबल इसमें पड़ेंगे इसलिए ये हेल्दी भी रहेगा। तो यहाँ पे अब मैं अपना मूंगफली ऐड कर दूंगी, हमारे प्याज ट्रांसपेरेंट हो गए थे। और मूंगफली को आप चलाते हुए अच्छे से पका लीजिएगा, इसमें से चट चट सी आवाज़ आने लगेगी तो आप समझिएगा कि आपका मूंगफली हो गया है। तो देखिए मैं इसे इस तरह से चलाते हुए पका रही हूँ। ये देखिए प्याज भी थोड़ा रंग चेंज कर दी है और हमारी मूंगफली भी हो गई है। तो अब इस स्टेज में मैंने हरी मिर्ची 2 से 3 ली थी तो इसे भी काट के डाल दिया है। और अब मैं इसमें गाजर भी ऐड कर दूंगी अपना। इसमें मैंने अपने शिमला मिर्च भी ऐड कर दिया है और इसे मिला लूंगी अच्छे से। और मिलाने के बाद मैं इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढक के रख दूंगी। इधर मैंने अपने पोहे को अब बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है और इसमें मैं पानी डाल के इसे अच्छे से धो लूंगी। तो यहाँ पे मैंने 2 गिलास पानी डाला है और 2 बार इसे अच्छे से वॉश कर दिया है। और वॉश करने के बाद ये देखिए मेरा पोहा साफ़ सुथरा बन के तैयार है। अभी मैं इसे कढ़ाई में अपनी सब्ज़ी देख लेती हूँ कि मेरी सब्ज़ी हुई या नहीं। 2 से 3 मिनट हो गए थे। तो गैस की फ्लेम आपको बहुत तेज नहीं रखनी है, इसमें मीडियम आंच में ही आप इसे आराम से पकाइएगा। और ये हमारा अब सब्जी 50% हो गया है। तो अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी अपना, और ये आलू हमने काट के रखे थे इसे भी हमने ऐड कर दिया है। ये उबले हुए आलू थे, आप चाहें तो कच्चा भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर डाला है, साथ में डालूंगी थोड़ा सा गरम मसाला, इससे पोहे में बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी स्वादानुसार नमक। नमक डालने के बाद आप इसे अच्छे से सब्जी में सारे मसालों को मिला दीजिएगा। हमें सब्जी को 100% नहीं पकाना है। तो करी पत्ता मैं डालना पहले भूल गई थी, तो आप जब सरसों डालिएगा तो उसके बाद ही अपना करी पत्ता डाल लीजिएगा। मैंने अभी ऐड कर दिया है,
ये फ्रेश है तो इससे खुशबू तो आ ही जाएगी। तो ढक के 1 से 2 मिनट तक हम इसे और पका लेंगे कि सारे मसाले हमारे सब्जी में अच्छे से हो जाए। तो ये देखिए, अब इस स्टेज में हमारा पोहा तैयार है और मैंने इसे भी डाल दिया है। तो सब्जी में पोहा डालने के 2 से 3 मिनट पहले आप इसे धो लीजिएगा, जिससे ये हल्के से सॉफ्ट हो जाए। तो ये बहुत ही अच्छे बनके तैयार होते हैं। इसमें 1 चम्मच चीनी डालूंगी, ये ऑप्शनल है। अगर आप मीठा पसंद नहीं करते हैं तो बिल्कुल भी मत डालिएगा, इसके बिना भी बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा। तो अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा इसे पहले सब्जी में अपने पोहे को। ये कितना सुंदर दिख रहा है, हेल्दी भी है, गाजर भी है, शिमला मिर्च भी है, टमाटर भी है। अगर आपके बच्चे ऐसे नहीं खाते होंगे सब्जी, तो इस पोहे के बहाने से वो सब्जी भी खा लेंगे और उनकी ताकत भी आ जाएगी और स्वाद तो आएगी ही स्ट्रीट स्टाइल। तो इसे हम एक मिनट एकदम धीमी आंच पर ढक के रख देंगे, क्योंकि जो हमने चीनी डाली है ना वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए, गल जाए। तो 1 मिनट हो गया था, अब चलिए मैं इसे देख लेती हूँ। तो देखिए, झटपट से तैयार हो गई है ना हमारे पोहे की ये रेसिपी, और ये बहुत ही यम्मी बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। यकीन मानिए, आप इस तरह से बनाएंगे तो सच में आपको घर वाले पोहे भी स्ट्रीट के जैसे ही लगेंगे और बच्चे बड़े सब मांग मांग के खाएंगे। तो अब मैं इसे अपने बर्तन में सर्व कर लेती हूँ। तो ये देखिए, हमारे पोहे सर्व हो गए हैं और ये बड़े ही यम्मी लग रहे हैं। अगर आपको हमारे पोहे की रेसिपी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मत करना भूलिएगा। हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय गुरुदेव।